Samajwadi Party MP Azam Khan, whose sexist remark in Parliament drew widespread criticism, has found the support of former Bihar Chief Minister Jitan Ram Manjhi. तो मेरा कहने का माँ चुमा लेती है बेटा को, बेटा चुमा लेती है माँ को, इसे चुप गया। मेरा कहने का आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा है, तो मिलिट्री मस्ट बी ग्रांटेड, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफी मांगिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट टाइम बर्बाद किया, तार साथ चले गए हैं, कुछ अच्छे माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे, मैं चाहूँगा कि कथा वो सुने जहाँ भी हो, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, उधर मत देखिए मुझे, आप इधर बात कीजिए, मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नज़र हटा लो, जी नहीं नहीं नहीं, ये नज़र तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात कीजिए, मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है, मैं छोटी मैं तो कभी ना नज़र हटाऊं आपसे, जी जी आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं, धन्यवाद। आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन हैं आप, मेरी बहन हैं आप, प्यारी बहन हैं आप, क्यों ऐसी बात करते हो? अध्यक्ष जी, आजम खान जी, आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ, तू इधर उधर की ना बात कर, आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है, बता के ये शब्द वापिस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है, ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापिस ले लीजिए, मंत्री जी को पीठ पर बैठे हुए आप कृपया सुनिए, माननीय सांसद महोदय को सुना है, उनका उस हाउस का इस हाउस का लंबा अनुभव है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है, वहाँ वो वजीर भी रहे हैं, सदर को चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है, एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द का प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए, रिकॉर्ड नहीं करते माफी मांगिए, माफी मांगना चाहिए,